हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में हम फॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में दो मेथड होते हैं। फॉस्फोराइलेशन की एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो हमने कल के वीडियो में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में डिस्कस किया। आज हम जो बेसिकली पढ़ेंगे वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं। देखिए, पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में हमने कल ये डिस्कस कर लिया था। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम देखें तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि अधिकांश पिगमेंट सिस्टम जो अधिकांश हम केसेस में देखें कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है उसमें नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन ही होगा। मतलब अधिकांशता जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन ही होता है। थाइलाकोइड में पीएस फर्स्ट तथा पीएस सेकंड दोनों ही पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं। ये पहले भी बताया था, इस क्रिया में जो पीएस फर्स्ट का P700 जो रिएक्शन सेंटर होता है P700 683 म्यू से या उससे अधिक वेवलेंथ की रेज को एब्जॉर्व करता है और फोटो एक्साइटेड हो जाता है। अब P700 से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सपेल होते हैं। वो फोटो एक्साइटेड होता है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन एक्सपेल होते हैं। देखिए, इस प्रकार से दिखाया गया है, एक्सपेल होते हैं जो एक्स FRS तथा फेरोडॉक्सिन से होते हुए NADP में पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ ही साथ PS सेकंड का क्लोरोफिल ए 680 म्यू वेवलेंथ की रेज को ऑब्जॉर्व करता है, क्योंकि इसमें हमें दोनों ही फोटो सिस्टम लेके चलने हैं, पिगमेंट सिस्टम। क्योंकि जो नॉन साइक्लिक का मतलब हुआ कि जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेल होकर जो एक्सेप्टर द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं वो एक सर्किल में ना होकर क्या होते हैं, नॉन सर्किल होते हैं, इसे नॉन साइक्लिक बोल देंगे। पीएस सेकंड का क्लोरोफिल ए 680 म्यू वेवलेंथ की रेज को एब्जॉर्व करके फोटो एक्साइटेड हो जाता है और 4 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेल करता है जो क्यू द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। सब इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एनर्जी वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स को फोटोलाइज करके 4H आयन और OH आयन बनाती है। 4H आयन जो होंगे वो NADP को ट्रांसफ़र हो जाएंगे तथा NADPH2 में रिड्यूस हो जाएंगे तथा जो OH आयन से 4 इलेक्ट्रॉन्स जेट के द्वारा होते हुए क्लोरोफिल ए 680 मॉलिक्यूल में पहुंच जाते हैं और वाटर और O2 शेष रह जाते हैं। तो क्यू में जो पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइटोक्रोम V559 से होते हुए प्लास्टोक्विनोन में पहुंचते हैं और साइटो F को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस ट्रांसफर में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो ADP से ATP मॉलिक्यूल के निर्माण में उपयोग हो जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं। साइटो F से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन द्वारा होते हुए P700 में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार इस क्रिया में P700 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की जो पूर्ति होती है वो क्लोरोफिल ए 680 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन से होती है। अर्थात इसमें वही इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आते जो निकले थे, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। ये एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एग्जाम। देखिएगा, अब इसको बहुत ध्यान से, अगर हम इसको जितनी समरी अभी हमने की थी उसको हम डायग्राम से एक एक पॉइंट करके हम क्लियर करें, तो इस प्रकार से देखें कि पहले क्या हो रहा है। P700 जो PS फर्स्ट सिस्टम भी यहाँ पर है और P680 पिगमेंट सिस्टम जो P2 भी यहाँ पर है। क्या कैसे किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सपेल करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम देखें, ये तो P700 रहा, ठीक है, ये P700 रहा। इससे ये 4 P700 जब फोटो एक्साइटेड हो जाएगा, फोटो एक्साइटेड कब होगा, पिगमेंट सिस्टम जो फर्स्ट है उसका P700 683 म्यू से
म्यू या उससे अधिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फोटो एक्साइटेड हो जाएगा, और ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेल कर दिया उसने, ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स हम देख रहे हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स को उसने को एक्सपेल कर दिया, बाहर निकल दिया। अब ये P700 से जो निकले हुए जो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स से FRS से होते हुए फेरोडॉक्सिन में पहुँचते हैं, और फेरोडॉक्सिन से ये NADP में पहुँच जाते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, द PS सिस्टम यदि हम उसको ले आए, ले आए तो ये P680 है, ये 680 वेवलेंथ की रेज को एब्जॉर्ब करेगा, फोटो एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेल करेगा। चार इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सपेल किए, ये जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं क्यू द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिए गए। इसके साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी है जो वाटर के चार मॉलिक्यूल को तोड़कर HIN और OHN में तोड़ देगी। ये देखिएगा, अब ये चार HIN पहुँच गए इधर जाके NADP से मिलकर NADPH2 में रिड्यूस हो गए तथा जो अब ये 4OHIN जो बचे हुए हैं, 4OHIN क्या करेंगे, इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जेड द्वारा होते हुए क्लोरोफिल 680 में पहुंच जाते। तो देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 680 में वापस आए, निकले कहाँ से थे, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से, तथा वाटर और ऑक्सीजन शेष रह जाते हैं। देखिएगा ये वाला वाटर और ऑक्सीजन शेष रह गए। अब क्या हुआ, ये जो क्यू में पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्यू में पहुंचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये साइटो B559 से होते हुए प्लास्टो क्यूनॉन में पहुंचे, प्लास्टो क्यूनॉन से साइटो एफ में पहुंचे, साइटो से प्लास्टो साइनिन में पहुंचे, और ये साइटो B559 से कुछ एनर्जी देखिएगा ये ADP से ATP बनने में काम आ रही है, फिर ये पहुँचे P700 में, P700 पे पहुँच जाते हैं। तो ये इस प्रकार हम देखा कि इसके जगह P700 निकले इलेक्ट्रॉन से पूर्ति, तो क्लोरोफिल A 680 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन से हो गई, और क्लोरोफिल A 680 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति वाटर से हुई है, अर्थात इसमें वही इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आए जो गए थे, ये निकले थे, तो इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा गया है। इस प्रोसेस को जो फॉस्फोराइलेशन के इस प्रोसेस को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा गया है। तो यानी कि जो लाइट रिएक्शन है इसमें दो प्रकार के मेथड हो गए, तो एक तो हो गया साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और एक हो गया नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब हम पढ़ेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि हम इनको डार्क रिएक्शन भी बोल सकते हैं, केल्विन साइकिल भी बोल सकते हैं, CO2 का फिक्सेशन भी बोल सकते हैं, और C3 साइकिल भी बोल सकते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम इसके हैं। ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल टेक प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो रिएक्शन, जैसे लाइट रिएक्शन जो होती थी ग्रेना में थी, तो ये रिएक्शन जो होती है स्ट्रोमा में होती है। नो लाइट रिक्वायर बट नीड द एंड प्रोडक्ट, इसके लिए लाइट आवश्यक नहीं होती, बट नीड द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन रिड्यूस्ड NADP एंड ATP टू प्रोड्यूस सिंपल शुगर, नीड एन एंजाइम रोवेस्को यानी कि राइवलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, रोवेस्को की आवश्यकता है। तो ये ऐसी रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन को एक्चुअली हम, जैसे हम केल्विन साइकिल बोल रहे हैं, तो इसको हम तीन फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, कार्बोक्सिलेशन फेज, रिडक्टिव फेज एंड सिंथेटिक फेज, और अगली है रीजनरेशन फेज। तो केल्विन व उसके सहयोगियों ने इस प्रयोग के लिए एक एक्वेटिक एल्गा क्लोरेला व सिनेडेसमस को चोच किया था। उन्होंने क्या किया, जल में जो सस्पेंडेड इन एल्गी की सेल्स को फोटोसिंथेसिस के लिए ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड दी जिसका कार्बन रेडियोएक्टिव था C14। उसके बाद उन्होंने बहुत छोटे छोटे समय अंतराल पर उसमें बने हुए कार्बन को
कार्बन की रेडियोधर्मिता के आधार पर पहचाना, और सबसे पहले जो स्टेबल कंपाउंड था वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था। उसको वातावरण में लगभग 5 सेकंड के बाद आइसोलेट किया गया। इस यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर अधिक रेडियोएक्टिव कार्बन इसके कार्बोक्सिल ग्रुप में पाया गया। तो क्लोरोलर की सेल्स को जब C14O2 के वातावरण में 30 से 60 सेकंड में फोटोसिंथेसिस करने के लिए विश्लेषण किया गया, तो जो रेडियोएक्टिव कार्बन थे अन्य बहुत से यौगिक में पाया गया। तो 30 सेकंड के बाद जो रेडियोएक्टिव कार्बन की अधिकांश मात्रा ट्रायोस में, ट्रायोस शुगर जो थी उसमें, और 60 सेकंड बाद मुख्यतः हेक्सोस शुगर में थी। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर किया कि जो ये डार्क रिएक्शन होती है उसमें शर्करा की जो सिंथेसिस होती है वो ग्लाइकोलाइसिस की एकदम विपरीत क्रिया है, उसके अगेंस्ट बिल्कुल अगेंस्ट होती है। ग्लाइकोलाइसिस में हेक्सोस शुगर के विघटन से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में 3-फॉस्फोग्लिसरिक से हेक्सोस शुगर का निर्माण होता है। अतः डार्क रिएक्शन में यह एक साइक्लिक स्कीम की आवश्यकता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही का रीजनरेशन हो सके। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन की डिफरेंट जो रिएक्शंस थी, इन रिएक्शन को उन्होंने समराइज किया और कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, सिंथेसिस, रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर की 4 स्टेप में उनको डिवाइड उन्होंने कर दिया। अब हम पढ़ेंगे इन स्टेप्स को, अलग अलग पढ़ेंगे इन स्टेप्स को। कॉल्विन साइकिल की जो स्टेप थी वो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, सिंथेसिस ऑफ हेक्सोस शुगर, रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर थी। तो जैसे हम कार्बोक्सिलेशन की ही विधि बात करें कि जो सारा कुछ इसमें कैल्विन साइकिल में इन स्टेजेस को शो किया गया है, किस प्रकार से अनस्टेबल कार्बन कंपाउंड बना हुआ है, NADP और ATP और ADP से ATP की फॉर्मेशन, ATP से ADP का बनना, सारा कुछ इसमें कैल्विन साइकिल में रिप्रेजेंट किया गया है। तो डार्क रिएक्शन है वो कैल्विन साइकिल के माध्यम से होती है। तो आज के वीडियो में ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ेंगे, क्योंकि सारा शॉर्ट में हमने कैल्विन साइकिल को यानी कि डार्क रिएक्शन को पढ़ा और लाइट रिएक्शन को पढ़ा, को समराइज किया, इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर को भी हमें पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।